पेरेंट्स ऐसा है जो अपने बच्चों को अफोर्ड नहीं कर सकता, उनकी फीस वगैरह, किताबें, मुख्तलिफ किस्म का ख़र्चा, तो आप हमारे पास भेजें, हम उनको सपोर्ट करेंगे हर लिहाज से, किताबें, बैग, कॉपियाँ, अदर, यहाँ तक कि हम डेली बेस पे उनको फ्रेशमैन यानी कि पैसों की जो चीज़ बच्चे तंग करते हैं हम वो भी देंगे, उठाना इनके बैग्स वगैरह, किताबें देना बच्चों को डेली बेस पे रिफ्रेशमेंट देना। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेज़बान वाजिद और आप देख रहे हैं मेहमान न्यूज़। आज हमारे साथ मुल्क पाकिस्तान की ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि एक रूहानी बाप कहलाते हैं कि इनके पास 30 बच्चे जो यतीम हैं, बेघर हैं, बेसहारा हैं, ये उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। आखिरकार मामलात क्या हैं, जानेंगे इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका नाम? मोहम्मद बिलाल रज़ा। बिलाल भाई हमें बताएं कि 2023 का महंगा तरीन दौर है और मालूम होता है कि सोशल मीडिया पर आपकी वीडियोज भी जा रही हैं, और किस तरह आप इन जो 30 बच्चों को पढ़ाते हैं किस तरह मैनेज करते हैं? जी स्टार्ट में तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी जब ये हमने सिस्टम स्टार्ट किया था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ कुछ ऐसे वॉलंटियर अटैच हैं जो हमें फुल सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। इनको फुल सपोर्ट भी मिल रही है और इन्हीं से जानेंगे कि कितनी मुश्किलात से ये इस बच्चों के सर पर जो इन्होंने हाथ रखा है इन्हें किस तरह देखते हैं। जी स्टार्ट में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, ठीक ना, बच्चों का मुख्तलिफ वजूहात के मुनाबर ख़र्चा उठाना, इनके बैग्स वगैरह, किताबें देना बच्चों को डेली बेस पे रिफ्रेशमेंट देना। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बिल्कुल सिस्टम सही चल रहा है, अब हमें कुछ वॉलंटियर सपोर्ट कर रहे हैं जिनकी वजह से हम स्टेबल हैं। सर जो आप जिस फील्ड में आए हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, ये स्टार्ट कैसे किया आपने? स्टार्ट हम एक जगह खाना खाने गए थे तो हमने देखा कुछ बच्चे सामान वगैरह फरोख्त कर रहे थे, तो हमने जब उनसे पूछा बेटा आप लोग पढ़ते हो, तो बोले कि नहीं हम लोग नहीं पढ़ रहे, तो हमने उनको लिया और ये जहन में सोचा कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो इन यतीम और गरीब बच्चों को पढ़ा सके। फिर हम उसको लेके चले और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 50 से अवा बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं हमारे पास। वालिदैन भी देख रहे हैं बच्चों के, किस तरह आप अपने बच्चों की तरह ही देखते होंगे बच्चों को? जी बिल्कुल देख रहे हैं, और मैं उनसे कहना यही चाहूँगा कि अगर कोई पेरेंट्स ऐसा है जो अपने बच्चों को अफोर्ड नहीं कर सकता, उनकी फ़ीस वगैरह, किताबें, मुख्तलिफ किस्म का ख़र्चा, तो आप हमारे पास भेजें, हम उनको सपोर्ट करेंगे हर लिहाज से, किताबें, बैग, कॉपियाँ, अदर, यहाँ तक कि हम डेली बेस पे उनको फ्रेशमैन यानी कि पैसों की जो चीज़ बच्चे तंग करते हैं हम वो भी देंगे उनको। ये जो लोकेशन है आपका जो अदारा है ये किस जगह पर मौजूद है? ये ग्रीन टाउन D2 में मौजूद है, साथ ही गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है, 2-3 गलियाँ छोड़ के ये D2 में ये अदारा। आप अकेले यहाँ पे पढ़ाते हैं या और भी टीचिंग? नहीं नहीं, एक फीमेल टीचर भी है और ये अल खिदमत फाउंडेशन हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इस लिहाज से। बॉयज़ और गर्ल्स कंपेयर है या अलग अलग सीन को? बॉयज़ अलग है और गर्ल्स अलग है। बॉयज़ हमारे पास 30 हैं, गर्ल्स इस वक्त हमारे पास 20 है जो यहाँ से तलीम ले रही हैं। अगर बहुत मामलात हैं कि महंगाई का दौर भी है, उसके बावजूद किस तरह ये आप अपनी जेब से ही खर्च कर रहे हैं, तो मुश्किलात को सामना तो करना पड़ रहा है? जी स्टार्ट में देखना हम खुद ऐसे हालात से पढ़ के आए हैं, तो जब हम इन बच्चों को देखते हैं ना तो हमें वो वक्त याद आता है, तो इसलिए अब अल्लाह ताला ने हमें इतनी तौफीक दी है कि हम अगर कर सकते हैं तो हमने ये अहद किया था कि हम इंशाल्लाह ये काम करेंगे। जी तो नाज़रीन ये था वो वाकिया कि एक रूहानी बाप 30 बच्चों से अबव तकरीबन इनके कहने का कि 50 बच्चे यहाँ पर इनके पास पढ़ते हैं गर्ल्स और बॉयज़ को मिलाकर, कि बहुत सारे सवालिया निशान यहाँ पर लोग उठाएंगे कि ये फ़ीस है, ये सारे मामलात हैं, कोई सर इनको कोई डोनेशन वगैरह का कोई? जी मुख्तलिफ वॉलंटियर हमारे पास डोनेट करते हैं, और कुछ फैमिलीज ऐसी होती है जो इन्हें के ख़ुद को ना इतना सपोर्ट नहीं कर सकते, तो बच्चों को सपोर्ट करना तो दूर की बात है, फिर हम उनसे बात करते हैं, उनके बच्चों को सपोर्ट करते हैं और फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं। हम लोग फैमिली को भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किस तरह की सपोर्ट करते हैं आप फैमिली को? फैमिली ये है कि मुख्तलिफ यानी कि मौसम के लिहाज से हम जैसे रमज़ान है ठीक ना, तब राशन देते हैं, ईद वगैरह के बच्चों को ईदी वगैरह देते हैं ठीक ना, उसके बाद मुख्तलिफ वॉलंटियर हमारे साथ ऐसे अटैच है जो फैमिली को राशन भी देते हैं। कोई फाउंडेशन आप
आपके पास? जी अल खिदमत फाउंडेशन है हमारे पास। खिदमत है जी अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन। लास्ट में सर आप कोई मुल्क पाकिस्तान की आवाम के लिए और जो नौजवान के लिए कोई पैगाम देना चाहते हैं? जी मेरा सबको यही पैगाम है कि अगर आप टीचिंग के मामले में टीचिंग के साथ अटैच हो तो आपको मौका मिले ऐसे बच्चों को टीच करने का तो आप करें, फ्री ऑफ कॉस्ट करें, क्योंकि कल को हो सकता है कि यही बच्चे आगे आपसे कई गुना ज़्यादा बच्चों को सपोर्ट कर सकें। जी तो नाज़रीन ये थे बिलाल भाई के बच्चों को पढ़ाते हैं और कहा जाता है कि बाप के बाद उस्ताद को रूहानी बाप का दर्जा दिया गया है कि जो ज़मीन से बच्चों को आसमान तक लेके जाते हैं। इनके लिए और इनके इस अदारे के लिए, इनके लिए खुसूसन जो इतनी स्ट्रगल कर ली, कि इनके लिए एक कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान वाजिद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।